क्यों सर? श्री रामकरण जी 22 सदन पटल पर रख दिया गया है। तो दस महोदया जी, मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा, हमारे जो बाबा मारकंडा पवित्र नदी सहबादमा वर्षों से आज 14 साल की खुदाई नहीं, आज खुदाई की वजह से सारे बंद, जितने बंद थे सारे बंद टूटे पड़े, सारे जितने सरकारी नदियां थी सारी बंद पड़ी। आज तक ये पहले संज्ञान लेना चाहिए, जो जिम्मेदार मजदूर का नुकसान शहर का नुकसान आज बाबा मारकंडा की वजह से, और जितने अपने सरकारी खाड़े थे सब बंद पड़े हैं, एक माइनिंग की वजह से आज तक माइनिंग नहीं हुई, तो ये इसकी या तो उसकी सरकार उसके रिक्वायर का उसकी जमीन कीमत दी जा, या उसका जिम्मेदार का जो जिस जिम्मेदार की जमीन आती है उसको 40% उसको जो उसमें माइनिंग होती है उसको मिलना चाहिए। जिम्मेदार इस बात पर कुछ हाँ, तो हमारी माइनिंग करता 200 फुट 300 फुट तक पूरा बाबा मारकंडा ऋषि का जो पवित्र धरती है उसकी पूरी खुदाई, और पूरा जो आपका जो पंजाब में जावा या आपका राजस्थान में जावा, तो उसकी आए साल हर वर्ष जिम्मेदार का इतना नुकसान आ, मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान, खंड में 90 गाँव के अंदर किसी जिम्मेदार का कोई ट्यूल नहीं बचा, ना कोई दो बारी फसल लगा जो बची, ना ही गन्ना बचा, मौके पर बेशक मौके पर जाएगा देख लो। जब तक ये बंद नहीं बंदे और बाबा मारकंडे नदी की जो सफाई नहीं होती, जब तक कोई इसका नहीं होता, कई साल हो गया आज, ये सरकार के ऊपर ही बोझ है। हर PWD सड़क, मार्केटिंग बोर्ड सड़क, कोई भी आज बची नहीं है, ये सरकार का नुकसान है इसमें। और ये बंद बन जा, बंद के ऊपर सड़क बन जा, तो कोई भी किसी का नुकसान नहीं है। तो मैं कहूँगा इसका मेरे को जवाब चाहिए, एक तो बरसात बंद होने के बाद बंद बंद नहीं चाहिए, खनपुरा से लेकर डाडलू पाडलू दयामली रवा त्योड़ा त्योड़ी छपरा छपरी खानपुर डोला इधर सारे नड़वी गौरीपुर कल्याणा सारे भी जितने गांव नाम तली में बहुत टाइम लगा, तो सारे गांव आज अभी गेहूँ भी नहीं बोल सकते। तो जिम्मेदार का अब तक कोई भी किसी का कोई सर्वर नहीं होया, कोई टिबल का नहीं होया, कोई मुआवजे का नहीं होया। तो मैं कहूँगा अभी कब तक इसको बनाएंगे, या नहीं मशीन नहीं देते तो आप माइनिंग को कहो, सरकार को भी फायदा और जिम्मेदार को भी फायदा। आज पूरा शहर का नुकसान हुआ दुकानदार का, आज एक एक मकान में 15-15 लाख रुपये का नुकसान है, और जो उससे बाद आज जिम्मेदार का एक एक बारी 15-15 हज़ार रुपये फसल लगती है जीरी की, जिन्हें 2 बार लगा ली, जिन्हें 3 बार लगा ली 45 हज़ार रुपये बनते हैं। आज गन्ने के ऊपर 50 हज़ार रुपये खर्च आता है, आज किसी भी खेत में गन्ना नहीं रहा, और नहीं रहा जीरी कोई। आज मैं कहूँगा ट्यूबल इतने बैठे, 200 कम से कम ट्यूबल बैठे मेरे, एक ट्यूबल के पास 5 लाख रुपये लगते हैं कम से कम, भी इसकी घोषणा तो करा भी हम 1 लाख रुपये घोषणा करा, या ट्यूबल का या गन्ने का 50 हज़ार रुपये देवा, 40 हज़ार रुपये देवा, अब तक 15 हज़ार रुपये सिर्फ वो करा भी जो एक बार जी जो नहीं लगा सकता भी उसको 15 हज़ार रुपये देंगे, जिसने 2 बार लगा ली उसको क्या देंगे, वो भी तक नहीं घोषणा हुई। मैं कहूँगा भी आज जिम्मेदार इतना परेशान है, गोमा घोष लेता था पहले हमारा मौजा तो लो जो सा घोषणा करिए, तो आज मेरी दादो परनल भी ना बंद होती तो मेरा पूरा कुरुक्षेत्र पूरा पीपली पूरा इलाका बिल्कुल नहीं डूबा था। मैं कहा तभी इनकी सफाई कराओ नदियों की, आज खनपुरा से लेकर इधर जितने भी गांव पड़ते हैं हो गया, जा आपने बता दिया मंत्री जी, तो आप इसको जल्दी से जल्दी मेरे को दो, अब इसको खुदाई चाहे माइनिंग कराओ चाहे जिम्मेदारों को दो, भी ऐसे ठहलो फ्री में मट्टी, आज कोई भी मट्टी ठान दे उसमें चलांद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इस बार बाढ़ आई, पानी ज़्यादा आया, और मारकंडा नदी में भी ऐतिहासिक पानी आया है। 1978 में इसके अंदर पानी था 38,000 क्यूसिक, और इस बार जो पानी आया है लगभग ये 49,522 क्यूसिक, और कहीं पर भी जो रिवर्स हैं उनकी खुदाई नहीं की जाती, माइनिंग का काम जरूर किया जाता है। उनके किनारे अगर कमज़ोर हैं कहीं है तो वहाँ उसको मजबूत करने का काम किया जाता है,
खुदाई करने का काम तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर या जो नहरें हैं उनमें किया जाता है। इस बार जो पानी भरा है वो जब दरिया के अंदर पानी कम हुआ तो निकल गया, जहाँ जहाँ टूटे हुए पैच हैं वहाँ हम उनको ठीक करके किनारों को मजबूत कराएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार ये भी एक नीति बनाई है कि दरिया के अंदर दरिया का फ्लो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन एक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए माइनिंग की बजाय नहर विभाग उसको अगर ऊपर आ जाता है रहता तो उसको निकालने का अधिकार दिया जाए। ये हमारी कमेटी बना करके जल्द फैसला हम कर देंगे ताकि पानी जो है एक लेवल से ऊपर ना चढ़े, आगे निकल जाए। ये मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, इसका भी जो किनारे हैं मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। और ये इस बार बाढ़ आई है, इसमें इस वजह से नहीं आई कि कोई सफाई नहीं हुई, क्योंकि दरिया की सफाई देश में कहीं कोई नहीं करता, माइनिंग के काम जरूर करते हैं। और इस बार यहाँ जो पानी आया है वो आप मैंने आंकड़े दिए बहुत ज़्यादा आया है, इस वजह से पानी चढ़ा, नुकसान हुआ। और माननीय सदस्य ने कहा कि घरों में ट्यूबवेल बैठ के घरों में नुकसान हो गया, और क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा जारी है, चाहे किसी के मवेशी का नुकसान हुआ, किसी की फसल का नुकसान हुआ, घर में दरार आई, कोई ट्यूबवेल बैठ गया, तो उसका हर चीज़ का जो नियम बना करके हम हर उसकी भरपाई करने की कोशिश हमारी है। और मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल के माध्यम से करके ये डाटा आ गया है और इसका किसानों की भरपाई हम करेंगे। मंत्री महोदय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो हमारी दादू पर नलवी थी वो बंद पड़ी, उससे जो सरकारी नाले थे आप जाकर देखो, मेरे साथ कमेटी बनाओ, आज दादू पर नलवी में और नदी खुली होंगी जिम्मेदार का कितना फायदा था। आज जो सरकार ने मुआवजा देना पड़ा तो आज मुआवजा देने की लोड़ नहीं थी, उस नदी के ऊपर लगा देंगे। दूसरा नंबर, आज मारकंडा जो पपीता धरती है वो आई साल पहले भी खुदती थी, उसमें सरकार का फायदा जिम्मेदार का फायदा, आप उसको ठेका दो, मैनिंग कराओ उसकी, मौके पर मेरे साथ कमेटी बनाओ, मैं दिखाऊंगा भी आपने किस वजह से बंद टूटे। ये आई साल का मेरे हल्के के अंदर अब भी दो दो तीन तीन फुट पानी खड़ा, आप कमेटी बनाओ, मैं कमेटी को दिखाऊंगा, जो समझदार अच्छा कमेटी का जो अफसर होगा मेरे को बताओ, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा कहाँ से बंद टूटा, कैसे बंद टूटा, मेरे को हर किले का पता, हर जिम्मेदार का पता, हर डेरे का पता, मैं उसमें वहीं खड़े कर दूंगा भी यहाँ से इस वजह टूटा। तो इस बात का जवाब मैं मांगूंगा, मेरे को तो 15 दिन में मैं अपना मशीन चला दूँ, नहीं कोई सरकार चलाऊ, मैं 15 दिन में मशीन चलाऊँ, जिम्मेदार तैयार है इस बात में भी आप मशीन चलाएगा बंद बंद हो, आप मेरे को इस बात का जवाब दे 15 दिन में मशीन मिलागी या नहीं मिलागी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि हम मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहर विभाग और माइनिंग विभाग मिल करके इसका लेवल चेक करके एक ग्रेडियंट से ऊपर की जो सिल्ट है वो उठाने का प्रावधान कर रहे हैं और उस सिल्ट को माइनिंग एक्ट से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ये कमेटी हमने बना ली है, ये कमेटी जो है हमारे आदरणीय विधायक जी से भी संपर्क करेगी और मौका भी देखेगी और जैसे इनके सुझाव मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।